तो ये सवाल रहा आपके लिए दोस्तों, फ्रेंड स्टूडेंट मेरे भैया दोस्त, सवाल है, क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य में पहले 25% की वृद्धि तथा बाद में 20% की वृद्धि देता है, वृद्धि कर बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो इसे बनाने के लिए आपको जो है कुल वृद्धि बराबर एक फॉर्मूला देता हूँ, फॉर्मूला से नहीं होगा तो भी आपको एक दूसरा विधि बताऊंगा। कुल वृद्धि बराबर, कुल वृद्धि परसेंट बराबर बनाने का फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे 100। इसे आप बना सकते हैं, ऐसे नहीं बनेगा तो भी मैं दूसरा तरीका बताऊंगा कि आप इस सवाल को कैसे बनाते हैं। 25 प्लस 20 ये हो गया x, ये हो गया y, आप इन दोनों को बैठाएं, प्लस 25 गुना 20 बटे 100। इसे काट दें, 20 25 100, 5 से 25 को 5 बार में, 20 25 कितना 45, 45 प्लस ये 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 50% की वृद्धि हो गया। क्या तरीका है, दूसरा तरीका है आपको बनाने का, मैं और बता रहा हूँ कि इसे कैसे बनाइएगा, आसान है। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा उसी तरह सेम आप कार्य करते जाएं, आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल में कोई भारी नहीं है, सिर्फ आपको लग रहा है कि सवाल भारी है, सवाल कुछ भी नहीं है, आप नहीं जानते हैं, आप समझ नहीं पाते सवाल को, इसलिए आपसे सवाल नहीं बनता। सवाल तो दौड़ते हुए बनेगा, आसानी से हंसते खेलते बना सकते हैं। क्वेश्चन आपका बोला टोटल वृद्धि निकालना है, क्वेश्चन का 25% की वृद्धि, पहले आपका कितना होगा 100% होगा, 25% की वृद्धि कर दीजिए, कितना हो गया वृद्धि कर दीजिए तो कितना हो गया 125 हो गया, 125 जो निकला, फिर उसमें 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हो गया, 100 था 20 बढ़ा 120 हो गया, 120 बटे 100 काट दीजिए इसे, 25 चौक 100 25 पचे 125, 4 3 12 30 बारे 30 गुना 5 कर दिए, 30 5 150, 150 हो गया। आने की कहने का मतलब पहले आपका कितना था 100 था, अब कितना हो गया बढ़ करके 150 हो गया, 100 में 150 हुआ तो कितना का वृद्धि हुआ 50% की वृद्धि हुआ, टोटल वृद्धि कितना हो गया 50% का हुआ। यह रहा आपका बनाने का सेकंड तरीका। तो ये सवाल है आपके लिए, अच्छा सवाल है, इसको बनाने का 2-3 तरीका है, ऐसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल देखने से आपको परेशानी ना हो, सवाल में कोई दम नहीं होता है, कुछ नहीं होता, आप हंसते खेलते धूपते हुए बना सकते हैं, परीक्षा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ आप जो है मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो डालूं वो आपके तक पहुंच पाए। तो ये क्वेश्चन है बनाने का, जो इसका तरीका है, क्वेश्चन कहता है समांतर चतुर्भुज का आधार को 50% घटाया जाता है, 50% घटाया जाता है, जबकि ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, दोनों टाइम में इसमें भी घटाया यहाँ पे भी घटाया जाता है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट की कमी हुई? इस सवाल को बनाने का जो तरीका है इसे कुल कमी परसेंट बराबर, कुल कमी कमी प्रतिशत बराबर, आप सवाल को इस तरह से लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे 100। इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, माइनस इसलिए रखे, ये घटाया जाता माइनस होगा, ये भी घटाया जाता माइनस होगा, यहाँ दोनों में माइनस रहेगा, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यह लिख देते हैं कितना हो गया माइनस 50 माइनस 40 प्लस 50 गुना 40 बटे 100। तो ये रहा सवाल आपका, इसे काट देंगे या काट देंगे, दोनों काट देंगे, कितना हो गया 5 20, यह हो गया 40 50 90, 90 में जब प्लस 20 करेंगे तो कमी कितना होगा माइनस 70% की कमी होगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, और मैं दूसरा तरीका से बताऊंगा, दूसरे तरीका से आप कैसे निकाल सकते हैं इस सवाल को। दूसरा तरीका इसे बनाने का जो तरीका है इसे आप बना सकते हैं, कि समांतर चतुर्भुज का मान लिया आपका जो क्षेत्रफल है 100% है, आप क्वेश्चन का आप क्वेश्चन बोला 50% घटाए थे, 100 में 50 घटाएंगे, शुरुआती में आपका 100% है, 50% घटाएंगे तो आपका बचेगा 50%, फिर क्वेश्चन का था 40% घटाया जाता है, 50 में 40% कम करेंगे तो कैसे कम करेंगे, 100 में 40 घटा देंगे कितना बचेगा 60%, 60/100 कम है, इसे काट देंगे कितना हो गया 34 माइनस 30% हो गया, 30% की कमी हुआ, पहले स्टार्टिंग में कितना था 100, अभी कितना आया 30%, तो 100 में 30 घटाएंगे कितना होगा 70% की कमी होगा। ये रहा आपका 70% कुल क्षेत्रफल में कमी, 70% की कमी होगा, ये रहा आपका आंसर। तो ये तरीका है, तीसरा तरीका क्या है इसे बनाने का, आप फॉर्मूला विधि से बना सकते हैं, फॉर्मूला विधि से इसे कैसे बनाएंगे मैं वो भी बता रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, फॉर्मूला होता है आधार मान लिया इसका 1/2, आधार मान लिया मेरा 100 है, ऊंचाई भी मेरा 100 है, तो कितना हो गया 50 कट गया, 50 हो गया 5000, क्षेत्रफल हो गया 5000 स्क्वायर फीट। अब जो है फिर इसमें क्वेश्चन कहता है, सेकेंड स्टेप में क्वेश्चन कहता है 50% 1/2
ऊंचा आधार को 50% घटाया जाए तो 100 में 50 घटा देंगे 50 बचेगा, फिर जो है ऊंचाई में भी इस ऊंचाई में भी 40% घटा दीजिए बचेगा कितना 60%, तो इसे काट देंगे तो जाएगा 30 बार 5 किया 15 यानी 1500 हो गया, तो कितना कमी हुआ घटा के देखते हैं 0 0 5 4 1 3 अब परसेंट में इसको चेंज करना है गुना 100 बटे किसको रखेंगे 5000 पे, इसी को 5000 रखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग वाले को नीचे रखते हैं, स्टार्टिंग वाले को नीचे रखते हैं, जीरो कट गया या जीरो कट गया ऊपर से कटेंगे 7 बार में 7 गुना ये 10 करेंगे 7 ही 70% की कमी हुआ। आप सवाल को जैसे चाहे वैसे बनाएं, कहीं कोई कठिनाई नहीं सवाल बनाने में, सिर्फ आपको सवाल को समझना होगा सवाल क्या कर रहा, किसी भी तरीका से बना सकते हैं, आपको जिस तरीका से सुविधा हो वैसे आप सवाल। तो आइए आपके लिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मेरे वीडियो का शेयर जरूर करें, पहले लाइक करें शेयर करना। यदि किसी टीवी के मूल्य में पहले 40% बढ़ा दिया जाए फिर बढ़े हुए मूल्य 40% कम कर दिया जाए तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ऐसे सवाल में एक बार बढ़ाने की बात करें दूसरे बार कमी करने की बात करें तो ऐसे सवाल में हमेशा कमी ही होता है, तो हमेशा हम इस सवाल को कमी प्रतिशत ही निकालेंगे। कमी प्रतिशत बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। तो इस सवाल को हम बनाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर इसलिए करते हैं, इसको एक्स मानेंगे, इसको एक्स मानेंगे, एक्स गुना एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, सेम वर्ड हो सिर्फ एक्स स्क्वायर करके 100 नीचे लिख दे आपका आंसर आ जाएगा। तो 40 का 40 गुना 40 40 बटे 100 मतलब कट गया 4×16% की कमी होगा। तो ऐसे मैं बताता हूँ इसको रूल से कैसे बनाएंगे। मान ली पहले आपका टीवी का मूल्य 100 है, आप इसमें जो है पहले 40% बढ़ा दीजिए तो 100 में 40 बढ़ाइए रखते कितना हो जाएगा 140 होगा, 140% हो गया, फिर बढ़े हुए मूल्य में 40% कम कर दिया जाए तो आप क्या करें इसे 140 है इस 40 में 40% कम कर दीजिए तो 100 में 40% कम हो गया तो 60% बचा, 60/100 इसको काट दीजिए, काटने के बाद क्या हो गया 64 ये हो गया 84। तो पहले 100 था अब कितना है 84, कितना की कमी हुआ 16% की कमी हुआ, पहले 100 था 84 आया कम हुआ, कितना कमी हुआ 16% की कमी हुआ। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए सवाल को वैसे बनाएं, सवाल को समझने में कोई कठिनाई हो आप जो है कमेंट जरूर करें।